ये यहां से कितना दूर है या इसमें कितना अंतर है, इन प्रश्नों का उत्तर हमेशा दूरी इसी अर्थ में होता है। दूरी का अर्थ है दो जगहों के बीच का अंतर। जैसे बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के बीच 1 किलोमीटर की दूरी है, पृथ्वी और सूरज के बीच में 1 एस्ट्रोनॉमिकल इकाई की दूरी है, और एड़ी से उंगलियों तक मनुष्य के पैर में 1 फुट का अंतर होता है। इस आकृति में हम भौतिकी शास्त्र के अध्यापक को टेबल के इर्द गिर्द घूमते हुए देख सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि अध्यापक जी कितना अंतर गए होंगे, इस प्रश्न का उत्तर हम 2 तरीकों से दे सकते हैं। एक उत्तर है अध्यापक जी की छोटी गतियों को जोड़ना, जैसे 2 मीटर पूर्व की ओर, 2 मीटर दक्षिण की ओर, 2 मीटर पश्चिम की ओर, जिसका उत्तर वो कुल मिलाकर 6 मीटर ऐसा आएगा। और दूसरा उत्तर है अध्यापक जी ने जहां अपना चलना बंद किया है वो अंत का बिंदु अध्यापक जी के आरंभ बिंदु से दक्षिण की ओर 2 मीटर की दूरी पर है। आपके अनुसार कौन सा उत्तर सही है? दोनों ही। ये प्रश्न संदिग्ध है क्योंकि यहां ये समझ नहीं आ रहा है कि प्रश्नकर्ता वास्तव में क्या पूछना चाहता है, दूरी के बारे में या विस्थापन के बारे में। चलिए अब इस बात को अधिक गहराई से समझते हैं, और इसके लिए हम इन दोनों शब्दों को परिभाषित करेंगे। दूरी एक अदिश परिमाण है जो 2 स्थानों के बीच के अंतराल का माप है, जो उन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले वास्तविक मार्ग के आधार पर लिया जाता है। विस्थापन एक सदिश परिमाण है जो 2 स्थानों के बीच के अंतराल का वो माप है जो उन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले छोटे मार्ग के आधार पर निकाला जाता है। पृथ्वी 1 साल में कितना अंतर पार कर सकती है, अगर दूरी के अर्थ में लिया जाए तो वो बहुत दूर जाती है, क्योंकि पृथ्वी के परिक्रमा की परिधि ही 1 ट्रिलियन मीटर है। पर अगर विस्थापन की दृष्टि से सोचे तो वो अधिक दूर नहीं जाती है, वास्तव में 0 दूरी तय करती है। साल के अंत में पृथ्वी पुनः उसी जगह पर आती है जहां से उसने 1 साल पहले शुरुआत की थी, इसका अर्थ है वो कहीं नहीं गई। मिहिर रोज एक ही रास्ते से पाठशाला जाता है, उसे अपने घर से 500 मीटर चलकर अपनी पाठशाला में पहुंचना पड़ता है। मिहिर द्वारा 500 मीटर की दूरी तय की जाती है, पर उसका विस्थापन मात्र 300 मीटर ही है। दूरी और विस्थापन भिन्न गुण है, पर ये एक दूसरे से संबंधित है। अगर हम पहला उदाहरण टेबल के इर्द गिर्द चलाना लें तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि कभी कभी दूरी भी विस्थापन के परिमाण के समान होती है। दूरी के लिए लैटिन भाषा में स्पैटियम इस शब्द का उपयोग हुआ है। इसी शब्द से अंग्रेजी भाषा में स्पेस ये शब्द आया है। पारंपरिक तरीके से अक्षर एस ये दोनों दूरी और विस्थापन को दर्शाने के लिए इस्तेमाल होता है। SI ये इकाई दूरी और विस्थापन को मीटर में दर्शाती है। मीटर किसी प्रौढ़ व्यक्ति के नोक से उसके पूरे खुले हाथ की छोटी उंगली के अंतर से कुछ अधिक होता है। पृथ्वी के विषुववृत्त से उत्तर ध्रुव के अंतर जिसको पेरिस से नापा गया, उस भाग का 1/10,000,000 इस प्रकार वास्तव में मीटर की परिभाषा की गई थी। इसका अर्थ यह हुआ कि पृथ्वी की परिधि लगभग 40 मिलियन मीटर होगी। बाद में यह बदलकर अचूकता से कटे हुए धातु के डंडे की लंबाई हुआ। फिर एक विशिष्ट प्रकार के प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की एक विशिष्ट संख्या में मीटर परिभाषित हुआ। अब हम मीटर को प्रकाश की वेग के रूप में परिभाषित करते हैं। 1 मीटर वो अंतर है जो प्रकाश द्वारा 1 शून्य में से गुजरने के उपरांत 1 सेकंड का 1/299,792,458 होता है। किलोमीटर जैसे गुणज रास्ते की दूरियां और विस्थापन नापने के लिए होते हैं, और सेंटीमीटर जैसे विभाजन कागज का आकार बताने के लिए अब आमतौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। खगोलीय और अंतरिक्षीय विज्ञान में ऐसे अनेक प्राकृतिक इकाइयों का उपयोग होता है। 1 नाविय मील अब 1852 मीटर है। आज के युग में नॉटिकल माइल इस इकाई का उपयोग नाविकों के लिए और विमान वहन में होता है। बहुत लंबे अंतरों के लिए प्रकाश वर्ष ये इकाई इस्तेमाल की जाती है। 1 प्रकाश वर्ष वो अंतर होता है जो 1 साल के समय में किसी वैक्यूम में पार करने के लिए प्रकाश की किरण को लगता है।
वो अंतर 9.5 गुना 10^15 मीटर के बराबर होता है। सारांश, हमने गति के विविध प्रकारों को जाना, हमने दूरी और विस्थापन के संकल्पना के बारे में समझा। आगे आने वाले वीडियो में हम गति, वेग और त्वरण इत्यादि संकल्पनाओं के बारे में जानेंगे।